पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी समर्थक वांटेड आतंकी गजेंद्र सिंह की मौत हो गई है। बता दें कि गजेंद्र सिंह 73 साल का था। 1981 में दिल्ली श्रीनगर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकी गजेंद्र सिंह की मौत लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से हुई। वो करीब 4 दशक से पाकिस्तान में ही छुपा था। उसने दल खालसा नाम के एक कट्टरपंथी सिख संगठन की सह स्थापना की थी। अपने आखिरी दिनों तक भारत विरोधी अभियान चलाता रहा। 2002 में उसे 20 सबसे वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में रखा गया था। दल खालसा के पदाधिकारी कंवरपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार को पाकिस्तानी शहर के एक गुरुद्वारे के पास गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी बेटी बिक्रमजीत कौर ने चिता को मुखाग्नि दी। 29 सितंबर 1981 को गजेंद्र और 4 आतंकवादियों ने 111 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाली फ्लाइट IC-423 को हाईजैक कर लिया था। वहीं अपहरणकर्ताओं ने पायलट को प्लेन लाहौर में उतारने के लिए मजबूर किया, जहां से उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरावाले और कई खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों की रिहाई के लिए भारत के तत्कालीन राजदूत के नटवर सिंह से बातचीत की। गजेंद्र सिंह के गिरोह ने $5,00,000 की मांग की और पायलटों का सिर कलम करने की धमकी दी। अपहरणकर्ताओं ने अखबारों में फल लपेट कर दावा किया कि वे हद गोले हैं, जिनसे वे विमान को उड़ा देंगे। भारत में राजनयिक दबाव में पाकिस्तानी कमांडो ने हाईजैक प्लेन में एंट्री की, जिसके बाद अपहरण का नाटक समाप्त हुआ। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने अपहरणताओं को कई साल तक कैद में रखने का दावा किया था। हालांकि 1986 में कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पता चला कि आरोपी खुलेआम घूम रहे थे। बाद में भारत लौटने वाले 2 लोगों सतनाम सिंह और तेजिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और फिर बरी कर दिया गया। गजेंद्र सिंह ने 1996 में जर्मनी की यात्रा की, लेकिन भारत की आपत्तियों के कारण उसे देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया। वह पाकिस्तान वापस लौटा और कई सालों तक चुप रहा। भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा, जबकि पाकिस्तान गजेंद्र सिंह के अपने क्षेत्र में मौजूदगी से इनकार करता रहा। 2016 में दल खालसा का पंच प्रधानी नामक एक अन्य कंटरपथी संगठन में विलय हो गया। हालांकि अलगाववादी खालिस्तान एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना नाम बरकरार रखा। सितंबर 2022 तक गजेंद्र के ठिकाने की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो कहां है, किस हालत में है, कोई नहीं जानता था। इतने साल तक वो अज्ञात रहा। और इसी बीच सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर सामने आई तो पाकिस्तान में उसके छिपे होने का पता चल सका। उसने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहिब के सामने खड़ा था। अपहरण की 41वीं बरसी पर होशियारपुर में एक कार्यक्रम में दल खालसा ने पाकिस्तान से गजेंद्र को राजनीतिक शरण देने पर विचार करने की अपील की। वही पाकिस्तान में मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की जेल में हत्या के आरोपी और अमीर सरफराज तांबा की इसी साल 14 अप्रैल को हत्या कर दी गई। लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका मर्डर किया। सरबजीत सिंह की हत्या के 11 साल बाद उसके हत्यारे ISI के गुर्गे और लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सहयोगी आमिर सरफराज को लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में बाइक सवार बंदूकधारियों ने गोली मार दी। भारत का नाम लिए बिना पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी हत्या को टारगेट किलिंग करार देते हुए जांच के आदेश दे दिए थे। बहरहाल खालिस्तानी आतंकी गजेंद्र सिंह 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत के मुंह में समा गया है। वीडियो डेस्क NPT ऑनलाइन।